नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में और मैं आपके साथ विदिशा शांडिल्या। विधानसभा सत्र के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा चंडीगढ़ में पत्रकारों से रूबरू हुए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बजट के अंदर पहली बार नए प्रावधान किए गए हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य की कई योजनाओं पर चर्चा की गई है, विशेषकर अंत्योदय योजना पर काम किया गया है। गरीब लोगों का आर्थिक विकास कैसे हो, इस पर बजट में विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का रटा रटाया उत्तर आ रहा है कि बजट बेकार है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पत्रकारों से रूबरू हुए। सुनिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मीडिया से रूबरू होते हुए आखिर क्या कुछ कहा। देखिए, मैं बहुत इस बात से संतुष्ट हूँ कि जितनी बातें हमारे साथी विधायकों ने, विपक्ष के लोगों ने खास करके जो उठाई थी, एक एक करके उनका सबका जवाब दिया, चाहे वो आंकड़ों की बात थी और चाहे कुछ बातें ऐसी हैं जो हमारे प्रोग्राम, हमारे कार्यक्रम जो हमने नए पेश किए हैं इस बार, क्योंकि पहली बार बजट के अंदर कुछ नए प्रावधान किए हैं, खासतौर पर जैसे एक डेफिसिट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मिड टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एक फंड बनाया हमने 8,500 करोड़ रुपए का नया, उसका आगे उपयोग हो जाएगा कि जो भी कोई वर्ष भर के अंदर अकस्मात किसी प्रकार का कोई खर्च करना पड़ता तो उसमें से हम कर पाएंगे। इसी प्रकार हमने कई विभागों को मिला करके एक सेक्टोरल अप्रोच ये की है ताकि एक ही सेक्टर के सभी विभागों को मिला करके उसके बजट का प्रावधान किया जाए और वो इंटर डिपार्टमेंटल कुछ चेंजेस वो बहुत आसानी से हो पाएंगी और उसमें देरी नहीं होगी। हमने जो शिक्षा की, स्वास्थ्य की, स्वावलंबन की जो योजनाएं थी उनके ऊपर भी चर्चा की, विशेष तौर पर परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जो अंत्योदय की योजना है, गरीब के परिवार का भला करना, वो गरीब फिर किसी भी जाति का हो, किसी वर्ग का हो, क्योंकि कई बार चर्चा चलती है हमने महिलाओं के लिए क्या किया है, हमने गरीबों के लिए क्या किया है, हमने अनुसूचित जाति के लिए क्या किया है, बैकवर्ड क्लास के लिए क्या किया है। हमने कहा जितने गरीब हैं जो हमारी उस परिभाषा में आएंगे, उन सब का, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, सबसे पहला अधिकार उनका है बजट पर, सबसे पहले उनके लिए काम करेंगे, उनका आर्थिक विकास अथवा सामाजिक विकास अथवा उनके परिवार का उत्थान कैसे किया जा सकता है, इसके लिए कई विभागों ने मिलकर योजना बनाई है। ये सारे विषय आज उनके सामने रखे हैं और मैं समझता हूँ विपक्ष बिल्कुल निरुत्तर था, कोई उनके पास जवाब नहीं था और आखिर में तो यानी जैसे जल्दी होती है कि जल्दी कराओ, इस प्रकार का उनका एक विषय था, वो आगे बढ़ गए, बजट पास हुआ है और इस बजट के माध्यम से पूरे हरियाणा का सम्यक विकास करने की हमारा जो संकल्प है उसको हम पूरा करेंगे। देखिए, आरोप लगाना बड़ा आसान है, जब जिसकी जानकारी ना हो तो आरोप लगाना बहुत आसान है। मैं उनको 2015 से जो वो बातें बोल रहे हैं वो एक बिल्कुल जिसको कहना चाहिए एक ब्लू प्रिंट उनका बना हुआ है आलोचना का, कि एक जैसे होता ना कोई एक बनाई हुई है चार पंक्तियाँ उसी को बोल के पढ़ देंगे, 15 में वही पढ़ी, 16 में भी, 17 में भी, आज 20 तक वही उनका रटा रटाया उत्तर आ रहा है कि बजट बेकार है और ये इतना कर्जा हो गया। वो कर्जा उनको सब समझा दिया कि ये कर्जा किसी भी स्टेट की GDP के ऊपर निर्भर करता है और वो जितनी हमें उसकी स्वतंत्रता है उस कर्जे को लेने की, हम उसके लिमिट के अंदर हैं, बल्कि उसे कम लिया है। अभी तो कोरोना के कारण से ये लिमिट केंद्रीय एजेंसी जो फाइनेंस एजेंसीज हैं उन्होंने हमें उसकी लिमिट 5% ऑफ GDP ये कर दिया है। हमने तो ये तय किया है कि हम 4% से नीचे ही रहेंगे, वरना हम 4.75% तो आज भी बड़ी आसानी से उस डेट तक जा सकते हैं। जहाँ तक ये डेट की बात करते हैं, डेट तो हर 5 साल के बाद, चाहे 1966 में हरियाणा बना तब से आज तक, हर 5 साल के बाद प्राय डबल होता है और जैसे हर 5 साल के बाद डबल होता है वो 66 से लेकर के लगातार आज तक ये लगा लें, 2003 से लेकर के और इस समय तक हिसाब मैंने उनको बताया, 2004 में जब से ये सत्ता में आए हैं तो तब से ये हर 5 साल बाद डबल वो भी कर रहे हैं। हमारा भी, क्योंकि ये कहते हैं हमने 2014 में 70,000 का डेट छोड़ा था, मैंने उनको बताया कि जो पावर यूटिलिटीज़ का अलग से 25-26 हज़ार करोड़ रुपए का डेट है वो भी उन्हीं के समय का है, उसको हमने कंबाइन किया है, तो अगर वो कंबाइन करके देखें तो 70 और 26 96 हज़ार करोड़ रुपये बनता है, तो 96 हज़ार के बाद अगर डबल भी करते हो तो 1,92,000 बनता है।
हर 5 साल बाद डबल होता है, शुरू से हो रहा है लगातार लगातार। इस 2021 में लगभग 198,000 रुपए का कर्ज है। देखिए ये कल की बात, 2 दिन पहले की बात है, जिस दिन ये निंदा प्रस्ताव हमने पेश किया था और चतकल किया था, तो उसको हमने पारित किया है। और निश्चित रूप से लोकतंत्र को बचाने के लिए किसी भी विधायक या किसी भी राजनीतिक नेता, पार्टी का विषय नहीं है, चाहे वो कांग्रेस के भी लोग हों, उनका भी अगर बायकॉट होता तो भी इसकी निंदा करनी चाहिए। और ये प्रस्ताव हमने वॉयस वोट, आंकड़ों के साथ हमने भी बता दिया है, कुल जो है जो रेवेन्यू रिसिप्ट हैं उसका 54% तो जा रहा है कर्जे में और इंस्टॉलमेंट्स में, लोन उसमें रीपेमेंट में, और 40% तनख्वाह और पेंशन में जा रहा है। 95% लग गया, 94-95% कुल इनके पास 5-6% बचा है। तो आगे कोई भी काम करेंगे वो भी इन्फ्लेटेड है, मैंने कहा ये इन्फ्लेटेड बजट है, जैसे 2019-20 का 23% इन्फ्लेटेड था, 23% नहीं लगाओ आप, 20% भी इन्फ्लेटेड लगाओ तो 155,000 का ये बता रहे हैं, तो उसे घटा के देख लो आप कितना आएगा। तो उसमें कुछ भी आए अगर काम करेंगे तो कर्जे के साथ ही करेंगे और कर्जा लेके रहेंगे। 2,29,000 पहले कर्जा इन्होंने होगा, और इसके बाद जो अगला बजट आएगा तो कितना ये क्या नाम लोन और इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यही मैंने कहा अगर इसी तरह चलते रहे 18% एवरेज है 14-15 के बाद लायबिलिटीज बढ़ने का, जबकि GDP का 8% बता रहे हैं, इतना गैप रखेंगे तो वो दिन दूर नहीं है दिवालियापन समय, तो स्टेट का दिवालियापन इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। तो ये आपको देखना है इस बारे में। और किसान की बात कही, किसान का मैंने कहा कांस्टेंट प्राइस पे आज जो है पर कैपिटा इनकम 63,743 आता है, जो कि मिनिमम वेजी से भी कम है, तो किसान का कहाँ दुगनी की बात है, उसको तो मिनिमम वेजेस भी नहीं पड़ रहा। और जो किसान मॉडल स्कूल थे जो एजुकेशन में, उनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं, बिल्डिंग बनी पड़ी है, कोई स्टाफ ही नहीं। तो इस प्रकार से जो मुकाबला करते हैं ये पंजाब से या राजस्थान से, तो राजस्थान हुआ, पंजाब हुआ और स्टेट वगैरह विदिन लिमिट है, वो डेब्ट रिटर्न के साथ मुकाबला करते हैं स्टेट, जिनकी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है उनके साथ अपने आप आर्थिक स्थिति मजबूती बताते हैं, और मुकाबला दूसरी स्टेटों के साथ करते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है। उनके पैमाने जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो दे दिए 31% दे दिया GSDP के लोन का, या बढ़ा दिया, या फिस्कल डेफिसिट 5% बढ़ा दिया, उन स्टेटों के साथ मुकाबला करोगे जो डेब्ट रिटर्न है पहले ही जो बिल्कुल मतलब इंसॉल्वेंसी के कगार पे बैठे हैं, फिर अपने आप को क्यों मजबूत आप इकोनॉमी बता रहे, क्यों क्या बता रहे हो कि हम अच्छा बजट देंगे, क्यों बता रहे हैं कि हम हरियाणा को आगे लेके जाएंगे, जब कोई स्थिति नहीं है। स्थिति को समझना चाहिए, हमने यही कहा है भाई अभी संभलो, नहीं तो प्रदेश जो है आर्थिक संकट की ओर धकेला जा रहा है। आपने कई सवाल उठाए विपक्ष ने सर, मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इनका जवाब क्या देते, सारे सवाल गलत नहीं, नहीं मेरा तो कोई सवाल नहीं, बजट में तो बोला ही नहीं, बजट में बोला ही नहीं, बजट में तो मैंने रिएक्ट किया जो उन्होंने भाषण दिया, मतलब काफी लंबा भाषण दिया, और उसके ऊपर मैंने जो पॉइंट जिन पे स्ट्रेस किया उनके बारे में रिएक्ट किया मैंने, जो आपको बताया डॉक्टर साहब मुख्यमंत्री से एक और कंपेयर किया जो फसल खरीद की बात है, जो दूसरी फसलें हैं, उन्होंने कहा कि पंजाब के आप नवजोत सिंह सिद्धू ने तारीफ की हरियाणा की फसल खरीद प्रक्रिया की, तो कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर करे, और उन्होंने ये भी कहा MSP है, MSP कब से मिल रही है, MSP कब से मिल रही है, अभी मिली है क्या, ये मेरे को मालूम है हरियाणा में लाइन लगा रहे ना, तो MSP आज धान का क्या भाव था और क्या मिला आज। इसी प्रकार से हर भाव में आज आलू पैदा हो रहा है ना, क्या पिटा हुआ है आलू को, लोग खेतों में फेंक रहे हैं, सबको मालूम है। जब मैंने पर कैपिटा इनकम बता दी हम कहाँ खड़े हैं, तो उसके बाद क्या रह गया, मिनिमम वेजी से भी कम है किसान के पास।
देखता जाए। हम मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमारा जो आकलन है 2003 से 4 से लेकर उन्होंने अब तक तुलनात्मक अध्ययन किया, ये स्थिति है क्या सर वाकई में? तुलनात्मक तो ये है, जीएसडीपी के रेशियो में आप देखोगे तो हमारे समय 15% से ज्यादा कभी नहीं गया और ये 25% पहुंच रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6,00,000 रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।